ये जो प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड बेरिंग एज वुमेन्स को हम टीके लगाते हैं टेटनेस के। उसके बाद पोलियो टारगेट है, जो हमारे बच्चे 1 से 5 साल, 0 डे से लेके 5 साल तक के जो बच्चों का टारगेट है, वो पोलियो टारगेट है, वो 39,700 बच्चे हमारे टारगेट हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये कंपेन जो है ना 24 से 30 तक चल रही है, क्योंकि हमारे ये कुछ दिन, 1-2 दिन हमारे छुट्टियों में ज़ाया हो गए हैं शुरू के 1-2 दिन। तो इसको हम कोशिश करेंगे 30 के बाद भी, अगर हमारा ये टारगेट इन दिन कल तक अचीव नहीं होता है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी की वजह से कुछ जगहों में थोड़ी कम वैक्सीनेशन हुई है, तो इसको हम 1-2 दिन बढ़ा के भी हम अपने टारगेट को अचीव करने की भरपूर कोशिश करेंगे, और अपने हम टारगेट को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बाकी थैंक यू। अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन, या हर यूसी से रिपोर्ट आती है कि हर यूसी की रिपोर्ट आती है कि शाम टाइम जो है ना पर डे उन्होंने कितनी वैक्सीनेशन की, तो हमारे पास तो अभी वो सारी डिटेल हम चाहते थे अभी शेयर नहीं करें। हर यूसी का अपना टारगेट है कि उस यूसी में इस 7 दिन के अंदर कितने बच्चों को हमने वैक्सीन करना है, तो वो हम देखेंगे कल कल शाम को कि किस यूसी में हमारे जो टारगेटेड बच्चे कवर नहीं हो गए हैं, तो उन यूसीज में हम जो है ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी हम उसको पूरा करेंगे। उसी में गुजर गई, तो उसके लिए हमने स्पेशल सेंटर्स बनाए थे सर, अस्तन में बनाया था, उसके बाद ये न्यायूर में एक बनाया था, और एक पंजतनी चौक में, जहाँ हमने उसी टाइम जो है ना, जो ही हमें इतला मिली उसके बाद हमने दवाइयाँ भी पहुँचाई थी, और हमने स्टाफ की ड्यूटियाँ सुबह से शाम तक यानी 3 शिफ्ट में हमने तकरीबन 7-8 बजे तक ड्यूटियाँ उसको असाइन की थी। तो शुरू 1-2 दिन तो ज़्यादा था, लेकिन आज के रिपोर्ट इंशाल्लाह बहुत तसल्लीबख्श है, बहुत कम पेशेंट्स वो वाली पोजीशन नहीं है, काफ़ी कंट्रोल है। उसके बाद हमने डीसी साहब से बात करके जो है ना पीएससी को वो करके ऊपर उनकी टंकी के भी पानी की सफाई कराई उसी दिन, अगले दिन ही, तो उसके बाद काफ़ी जो है ना बेहतरी आई। डायरिया फिर हम सर इसके काज मेन होता है, काज को वो करना है, टेबलेट या फ्लैजिल या ड्रिप कब तक हम लगाते रहेंगे, मेन चीज़ है उसके काज को आइडेंटिफाई करना और काज को रिमूव करना, क्योंकि अब एक पूरे इलाके में फिर हम देखते हैं जी ये कॉमन चीज़ कौन सी इस्तेमाल हो गई है। कॉमन चीज़ मेनली जो है ना पानी था उनका, बाकी तो सब लोग एक जगह में, या तो हम डिजीज आउटब्रेक इसका भी देखते हैं, जैसे अभी हम सब ने एक मिल के इधर कहीं खाना खाया, उसके बाद हम में से 8-10 आदमी अफेक्ट होते हैं, तो हम उसके काज को इससे रिलेट करते हैं कि इस खाने में कोई चीज़ ऐसी ना हो, इसी तरह कॉमन चीज़ देखते हैं उन सब ने मिल के क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें पानी मिला, तो पानी की सफाई के बाद आज काफ़ी बेहतरी आई है।